गुड फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग आज अपने इस वीडियो में करंट अफेयर्स के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। देखते हैं कि जून 2020 का जो भी स्टार्टिंग चल रहा है, बिल्कुल 5 तारीख के आसपास, 6 तारीख के आसपास, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो देखिए, खास करके हम लोग उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो यूपीएससी पॉइंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे TULIP, जैसा आप देख पा रहे हैं, ट्यूलिप और स्वदेश, क्या है ये वर्ड्स, ये एक्चुअली में क्या, इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, टू नो अबाउट MLSA and PLFS, ये सब क्या होता है। देखिए ये सब भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो यूपीएससी खास करके अपने एग्जाम में बहुत ही ट्रिकी तरीके से घुमा करके देता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इन सभी चीजों को अच्छे से जाने समझें और याद कर लें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे। पहला देखते हैं ट्यूलिप। ट्यूलिप क्या होता है? TULIP, ट्यूलिप अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। देखिए ये एक प्रोग्राम है जो कि अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, अर्बन पहला से ही स्टार्ट हो रहा है, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप मतलब ये रूरल और अर्बन के बीच में अगर डिफरेंशिएशन देखा जाए तो ये बेसिकली अर्बन को कवर कर रहा है। अर्बन का ये लर्निंग इंटर्नशिप एक प्रोग्राम है फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू फ्रेश ग्रेजुएट्स इन ऑल ULBs, अर्बन लोकल बॉडीज जो होते हैं ULBs, और स्मार्ट सिटीज में ये लॉन्च किया गया है ताकि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स अभी जस्ट उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या हो सकता है कि उन्होंने अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, तो उनके लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है ताकि उनके स्किल्स को और बढ़ाया जा सके, उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सके ताकि वो आने वाले टाइम में एक अच्छा जॉब पा सके और अपना लाइफस्टाइल को और भी अच्छा बना सके। जब बजट पेश किया गया था श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो 2020-21 में, तो उसमें एक एस्पिरेशनल इंडिया के नाम से भी एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था। ये जो है ट्यूलिप, ये ट्यूलिप एक्चुअली में वो एस्पिरेशनल इंडिया के अंदर में ही आता है जो कि लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। प्रोवाइड फ्रेश ग्रेजुएट्स एक्सपीरियंसल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन द अर्बन सेक्टर। ठीक है, तो देखिए दो तीन चीज पॉइंट हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग इसमें देखें। एक तो क्या है कि ये एस्पिरेशनल इंडिया के अंदर में किया गया है, जो अनाउंसमेंट बजट में ये उसके अंदर में आता है। साथ ही साथ ये इसमें ये देखना है कि ये बेसिकली अर्बन जो जगह है वहां पर इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड फ्रेश ग्रेजुएट्स एक्सपीरियंसल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन द अर्बन सेक्टर। अभी देखिए यहां पर ये मेन इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ये MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये दोनों के मिलने से, ये मतलब इन दोनों के मिलाप से इस गोल को बनाया गया है ताकि 1 करोड़ सक्सेसफुल इंटर्नशिप बाय द ईयर 2025 को किया जा सके। मतलब अभी चल रहा है 2020, 2025 तक ये लोग बता रहे हैं कि 1 करोड़ सक्सेसफुल इंटर्नशिप प्रोग्राम किया जा सके, मतलब 5 साल के अंदर में 1 करोड़ सक्सेसफुल इंटर्नशिप प्रोग्राम। बहुत ही बड़ा एक मतलब गोल है, लेकिन ठीक है, गोल हमेशा बड़ा ही होना चाहिए ताकि अगर हम लोग वहां तक नहीं भी पहुंच पाए तो उसके नीचे तक भी अगर पहुंचे तो एक अच्छा अचीवमेंट हो हमारे लिए। तो MHRD और AICTE, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का, इन दोनों के नाम से, इन दोनों के मिलाप से ही ये गोल बनाया गया है। ये भी हम लोग देखे ट्यूलिप के बारे में। अभी देखते हैं स्वदेश, SWADES। स्वदेश क्या है? स्किल मैपिंग एक्सरसाइज फॉर रिटर्निंग सिटीजंस। अभी रिटर्निंग सिटीजंस कौन है? अभी का जो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि पूरे के पूरे दुनिया में, दुनिया के हर एक कंट्री में कोरोना का बहुत ही बड़ा मतलब हल्ला बोल हो चुका है, हर एक कंट्री इससे तबाह हो चुका है। तो अभी बहुत सारे कंट्री ये कोशिश कर रही है कि जो दूसरे देशों में उनके नागरिक फंसे हुए हैं उनको किसी तरह से वहां से लेकर के आए और अपने देश में उनको सुरक्षित रखें। इंडिया और भारत सरकार की भी ये कोशिश रही है और बहुत अच्छी कोशिश रही है। उन्होंने एक मिशन चलाया, वंदे मातरम मिशन, उसके तहत उन्होंने 1 लाख से ऊपर अपने जो उनके प्रवासी भारतीय थे जो बाहर में रहते हैं, इंडिया के बाहर में रहते हैं, उनको अपने देश में सुरक्षित लेकर के आए।
एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये। तो अभी वो लोग आ तो गए हैं, लेकिन अभी क्या है कि वो लोग वहां पर कुछ ना कुछ जॉब करते थे। अभी वो लोग अपना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब छोड़ करके आए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुट्टी लेकर के आए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब आए होंगे कि भाई ठीक है कुछ टाइम रहते हैं फिर चलेंगे वापस। तो अब अगर अगर उन लोग वापस नहीं जा रहे, इंडिया में रह रहे, तो इंडिया में रह के करेंगे क्या? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो कि जिसका हल भारत सरकार को निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो दिन पर दिन और हालत बिगड़ता जाएगा। तो ये एक स्किल मैपिंग एक्सरसाइज है फॉर रिटर्निंग सिटीजन्स, वैसे सिटीजन्स जो अपने वो देश जहां पर वो इंडिया के बाहर में कहीं पर रह रहे थे उनको छोड़ करके अभी वापस आए हैं। अभी वापस आए हैं तो उनके लिए स्किल डेवलपिंग या स्किल मैपिंग कुछ एक्सरसाइज चलाया जाएगा, ताकि उनका स्किल्स को शार्प किया जाए और इंडिया में ही किसी कंपनी में उनको कहीं ना कहीं फिट कर दिया जाए, ताकि वो अपना और अपने परिवार का अच्छा से पेट पाल सके। ठीक है, तो ये स्वदेश स्कीम एक्चुअली वही है। देखिए स्वदेश स्कीम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। द इनिशिएटिव अंडरटेकन एज द पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन ये आपको याद रखना है। ये वंदे भारत मिशन ये हो सकता है कि अभी के एग्जाम में नहीं, लेकिन आने वाला एक दो साल के बाद में जब भी कोई एग्जाम होगा तो ये टॉपिक जरूर पूछा जा सकता है कि एक्चुअली में ये वंदे भारत मिशन क्या था और कब इसको देखा गया था। तो ये जिस समय पूरा का पूरा वर्ल्ड परेशान है COVID-19 के चक्कर में, उस समय ये हमारे भारत सरकार की एक पहल थी, एक मिशन चलाया गया था अपने देश के लोगों को बाहर जो किसी कंट्री में फंसे हुए वहां से उनको वापस अपने अपने कंट्री में लेकर के आना। एम्स एट एम्पावरिंग The returning citizens with relevant employment opportunity, ताकि जो returning citizens हैं उनके उनको empower किया जा सके, उनका skills को और बढ़ाया जा सके, और ताकि जो इंडिया में ही जितना भी अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं उनको फिट कर दिया जाए। ठीक है, इट इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये तीन मिनिस्ट्री का जॉइंट इनिशिएटिव है। नाम आपको हमेशा याद रखना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। देखिए जहां हम लोग स्किल को शार्प, स्किल को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री यहां इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फिर भी कुछ हद तक हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हर उस नागरिक को देखता है जो कि हमारा भारत का नागरिक है लेकिन कहीं बाहर में रह रहा है, तो वो लोग सीधा एक कॉन्टेक्ट में रहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एक्चुअली में अगर आपको देखने को मिले तो ये कहीं पर भी टच नहीं हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर है, इनका अवेलेबिलिटी है, इसी के लिए अपने को इन तीनों मिनिस्ट्री का नाम याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे इसी में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं स्वदेश में। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC, द नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट इज सपोर्टिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सपोर्ट कर रहा है, ये उस वो तीनों जो जो मिनिस्ट्रीज जो इन्वॉल्व है ये उसका पार्ट नहीं है। ये होता ना कि भाई हम आपको पीछे से हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ो, कुछ होने से हम लोग हैं आपके बैकएंड में। तो ये जो है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एज अ सपोर्टिंग फैक्टर यहाँ पे काम करता है। इट एम्स टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजंस। देखिए ये जो जो स्वदेश है इसके तहत एक्चुअली में क्या काम किया जा रहा है, इसके तहत क्या काम किया जा रहा है कि जो लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं इंडिया में, इंडिया के ही लोग हैं, उनका उनका एक डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है, डेटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजंस बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट्स। मतलब कि देखिए हर हर इंसान में कुछ ना कुछ स्किल होता है, तो अभी डिपेंड करता है कि अगर उस इंसान को उसके स्किल के लायक अगर जॉब दे दिया जाए तो उनको काम करने में भी मजा आएगा, साथ ही साथ वो एक अच्छा एफिशिएंट वर्कर कहलाएंगे। तो इसी तरह से ये एक डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है जिसके तहत में स्किल्स के बेसिस पर उनके उनको एक कॉलम में रखा जाएगा कि भाई ये इस लेवल का स्किल इनके पास में, इनके लिए इस लेवल का जॉब को खोजा जा सकता है। इट एम्स टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजंस बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट्स एंड एक्सपीरियंस, साथ ही साथ वो किस एरिया में काम किए हैं, टू टैप इनटू एंड फुलफिल डिमांड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज, ताकि जो इंडियन और फॉरेन कंपनीज का डिमांड है वहां पर उनको फिट किया जा सके, वैसे लोगों को वहां पर फिट किया जा सके। तो इस केस में कंपनीज को भी फायदा हो जाएगा, साथ ही साथ जो लोग बाहर से आए उनको भी फायदा हो जाएगा। द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विद द कंपनीज फॉर सूटेबल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री, और ये कोशिश की जाएगी जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा वो सभी कंपनीज को शेयर किया जाएगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोग आए हुए हैं उनको कहीं ना कहीं पर जॉब दिया जा सके, रिक्रूटमेंट हो सके उनका। ठीक है, ये हम लोग अभी देखे थे।
स्वदेश के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं MLSA, फुल फॉर्म क्या होता है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। नाम से ही आपको पता चल रहा है म्यूचुअल, इसका मतलब हो ना हो इसमें चांसेस है दो या तीन कंट्रीज या दो या तीन स्टेट या दो या तीन डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है। तो देखते हैं एक्चुअली में क्या है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। ये दो कंट्री के मिलाप से बना है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव साइंड अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट कॉल्ड म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, MLSA। नाम याद रखना है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो कंट्रीज में शामिल है। टू अलाउ एक्सेस टू मिलिट्री डेटाबेस फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये दोनों ही कंट्री अलाउ करेंगे एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ये लोग मिलिट्री बेसिस को एक दूसरे कंट्री में अलाउ करेंगे। ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। द अग्रीमेंट विल फैसिलिटेट, द अग्रीमेंट विल फैसिलिटेट रेसिप्रोकल एक्सेस। मैंने बताया कि दोनों ही कंट्री को इससे फायदा होने जा रहा है। रेसिप्रोकल एक्सेस टू मिलिट्री लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, अलाउ मोर कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अभी इससे क्या होगा कि जहां पर अपने मतलब जहां पर उनको ज्यादा ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, तो वहां पर क्या है कि देखिए बहुत सारे कंट्री क्या है कि आपस में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर उनको जाने के बाद में अगर उनको सही से सारा का सारा सुविधाएं नहीं दी जाती है, तो बहुत कम समय के लिए उसको किया जाता है और फटाफट उसको वाइंड अप कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह का जब एक्सेस दिया जाएगा, जब सपोर्ट दिया जाएगा, तो ये और अच्छा वो लोग मिलिट्री एक्सरसाइज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ द टू नेशंस। और इससे बहुत ही इंप्रूवमेंट होगा, खास करके ये एक्सेस राइट्स का बात कर रहा है, जो कि अलाउ करेगा एक कंट्री दूसरे के लिए ताकि मिलिट्री बेसिस को अलाउ किया जा सके फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है PLFS, पहले तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं, PLFS। PLFS का फुल फॉर्म क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक सर्वे है जो कि जो लेबर फोर्स है, जो जो आप बोल सकते हो कि जो लेबर क्लास है हमारे कंट्री में, जो एम्प्लॉयड क्लास है, आप रादर बोल सकते हो लेबर क्लास बोलो चाहे आप एम्प्लॉयड क्लास बोलो, जो जॉब कर रहे हैं उसके उनके ऊपर में ये एक पीरियोडिक सर्वे का काम करता है। तो अभी समझते हैं एक्चुअली में क्या है PLFS। PLFS इज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड सर्वे, ध्यान देना है, इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड सर्वे विच गिव्स एस्टिमेट टू की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स लाइक द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो कि मतलब बताता है कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट और की और जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स है उसका उसके बारे में फोकस करता है। वो इंडिकेटर्स क्या है, लाइक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब कितना लेबर अभी हमारे कंट्री में अवेलेबल है और कितना लेबर लेबर ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। देखिए जरूरी नहीं कि जितने भी लेबर हमारे कंट्री में है वो सभी के सभी लेबर हर दिन उनको जॉब मिल जाता है, नहीं, जितने को जॉब मिल रहा है वो होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिनको नहीं मिल रहा है वो तो एक्चुअली पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब यही की इंडिकेटर्स को ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये सर्वे किया जाता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्रोपोर्शन जो होता है अनएम्प्लॉयड का और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन रूरल हाउसहोल्ड एनुअली, ध्यान देना है यहां पर रूरल हाउसहोल्ड में एनुअली किया जाता है, साल में एक बार किया जाता है रूरल हाउसहोल्ड में एंड ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर अर्बन हाउसहोल्ड, और साल में चार बार मतलब महीने में एक बार किया, सॉरी तीन महीने में एक बार किया जाता है अर्बन हाउसहोल्ड के लिए। इन इस पॉइंट को प्लीज अच्छे से याद कीजिए, रूरल हाउसहोल्ड के लिए एनुअली एक बार किया जाता है, गांव घर के लिए एक बार किया जाता है, लेकिन शहरों के लिए ये तीन महीने में एक बार किया जाता है, क्वार्टरली मतलब साल का चार बार किया जाता है ये सर्वे। मेनली इसका काम होता है ये पता लगाना कि कितने लोग अभी जॉब में हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे क्वालिफाइड है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, कितने ऐसे लोग हैं जो कि ना क्वालिफाइड है ना उनके पास में जॉब है। तो इन सभी सभी चीजों का डेटा जब जब हमारे सरकार को मिलता है तो वो लोग हर प्रयास संभव करती है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों को जॉब दिया जा सके ताकि वो अपना और अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का पेट चला सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द PLFS also gives the distribution of educated and unemployed people। देखिए मैंने अभी आपको कहा ना कि जरूरी नहीं कि जो जो इंसान पढ़ लिख गया है उनको जॉब मिल जा रहा है, नहीं, बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जिनके जिनके पास में जॉब नहीं है, देयर एजुकेटेड बट देयर अनएम्प्लॉयड,
which in turn can be used as a basis for skilling of youth to make them more employable by industry, ताकि उनको और अच्छा उनके स्किल को शार्प किया जा सके। स्किल को एक बार शार्प, अभी देखिए सपोज कीजिए कि कोई एक विद्यार्थी है, वो कोशिश कर रहा है कि भाई हम कुछ पढ़ लें, किसी तरह से करते करते आईटीआई में उसका एडमिशन हो गया, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से या सिविल से, किसी से भी वो अपना आईटीआई कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कहीं पर जॉब नहीं मिल पाया। फाइनली क्या हुआ कि भाई उसको आईटीआई करने के बाद भी उसको अपने पिताजी के साथ में खेत में जाकर के काम करना पड़ता है। तो जब ऐसे एजुकेटेड कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन मिलेगा हमारे सरकार को, उस डिपार्टमेंट को, तो वो लोग ये कोशिश करेगी कि भाई अगर ये लड़का सिविल से आईटीआई किया हुआ है तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कहीं सिविल का लाइन में अगर इनका रिक्वायरमेंट हो तो इसको वहां पे फिट कर दिया जा सके। तो ये डेटा जब तक सरकार के पास में नहीं रहेगी, सरकार कुछ काम कर नहीं पाएगी। इसी के लिए ये डेटा लेना बहुत जरूरी है, इसके लिए सर्वे होना बहुत जरूरी है, ठीक है। द सर्वे वॉज लॉन्च्ड इन 2017 एंड द फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड, ये हुआ था जुलाई 2017 जून 2018 में। तो ये एक मतलब बहुत ही अच्छा सर्वे है, मेरे हिसाब से ऐसा सर्वे बहुत हद तक होना चाहिए। साथ ही साथ इस सर्वे के बाद जो डेटा मिलता है भारत सरकार को, उसे बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि भाई हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का रेट को कैसे घटा सकते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है हमारे कंट्री में। लोगों को मतलब रोजगार नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे ऐसे बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो इस तरह का सर्वे से हमारे कंट्री को बहुत सारा फायदा हो सकता है। अभी बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड है खास करके जून 5th of June 2020 से। सो अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हेन वाज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, जून 5th, जून 4th, जून 3rd और जून 2nd। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5th of June को मनाया जाता है, तो इसका आंसर है हमारा जून 5th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020? इस साल का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसका थीम क्या है? उसका थीम देखते हैं, समझते हैं क्या है। देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। जीरो टॉलरेंस फॉर द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर और बायोडाइवर्सिटी। देखिए इस साल का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसका थीम है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इंडिया हैज प्लेस्ड हाउ मच अमाउंट फॉर द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन? इंडिया ने एक शपथ लिया है कि वो लोग वो कुछ कुछ डोनेशन देंगे, पूरे के पूरे मतलब कि बहुत सारे कंट्री मिलकर के सामने आए हैं ताकि वैक्सीन्स और इम्यूनाइजेशंस को बढ़ावा दिया जा सके, तो उसके लिए फंड का जरूरत पड़ता है। तो इंडिया ने भी पहल की है कि भाई हम भी इतना फंड देंगे उस ग्लोबल अलायंस को। वो फंड कितना है जो इंडिया ने शपथ लिया कि भाई इतना फंड हम, कम से कम इतना फंड हम देंगे? तो अभी ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास में क्या है। 15 मिलियन USD, 20 मिलियन USD, 10 मिलियन USD, 5 मिलियन USD। हमारा आंसर है 15 मिलियन USD, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड अ नेशनल अवेयरनेस कैंपेन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एनिमल मॉर्टलिटी ऑन हाईवेज ऑन जून 5th? हु लॉन्च्ड, किसने लॉन्च किया ये अवेयरनेस, नेशनल अवेयरनेस कैंपेन किसने लॉन्च किया है, किस पर है ये, ताकि प्रिवेंशन किया जा सके, बचाया जा सके इंसानों को, साथ ही साथ जो जानवर होते हैं जो हाईवे में किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, वो लोग मर जाते हैं, तो उनको कम किया जा सके, उनको बचाया जा सके, अवेयरनेस फैलाया जा सके, 5th June को ये लॉन्च किया गया। ये कौन है जिन्होंने ये कैंपेन को लॉन्च किया? ऑप्शन हमारे पास, नितिन गडकरी, प्रकाश जावेदकर, पीयूष गोयल, अमित शाह। हमारा आंसर है नितिन गडकरी। ये सभी देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ एक समय के बाद ना हम लोग इन क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। इसी के लिए अच्छे से पढ़िए ताकि अगला 6 महीना साल भर के अंदर में कोई सा भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आता है, आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर सको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द इंफॉर्मेशन बुकलेट?
सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। कौन सा वो मिनिस्ट्री है जिसने ये एक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया है जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री, WCD मिनिस्ट्री। देखिए जहां पर आपको देखने को मिल रहा है ना कि ऑनलाइन लर्निंग मतलब कुछ कुछ नॉलेज से कुछ रिलेटेड है, तो हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है। और हमारा आंसर यहां पर है एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हु लॉन्च्ड द #ICommit इनिशिएटिव ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। कौन ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ये लॉन्च किया है #ICommit इनिशिएटिव वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के उपलक्ष्य में। ऑप्शन हमारे पास है डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, आरके सिंह, पीयूष गोयल। हमारा जो आंसर है वो है आरके सिंह। ठीक है, #ICommit इनिशिएटिव इनके द्वारा लॉन्च किया गया है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के ऊपर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिट इंडिया विल बी लॉन्चिंग स्पेशल फिल्म्स टू प्रमोट हाउ मेनी इंडिजिनियस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। फिट इंडिया जो है वो एक स्पेशल फिल्म को लॉन्च कर रही है, विल बी लॉन्चिंग स्पेशल फिल्म्स। वो क्यों लॉन्च कर रही है, ताकि जो हमारा इंडिजिनियस स्पोर्ट्स है उसको और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। तो ऐसे कितने स्पोर्ट्स है जिसको वो प्रमोट कर रही है। ठीक है, अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है, 8, 15, 7 और 10। तो फिट इंडिया जो है वो जो लॉन्च कर रही है एक स्पेशल फिल्म, उसके द्वारा 10 इंडिजीनियस स्पोर्ट्स। इंडिजीनियस स्पोर्ट जैसे जो आप बोल सकते हो कि मतलब भारत में उसकी उत्पत्ति हुई है, या उसकी उत्पत्ति में कहीं ना कहीं भारत का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, मलखम हो गया, इस तरह का टग ऑफ वॉर हो गया। तो इस तरह का 10 ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको ये स्पेशल फिल्म प्रमोट करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी हैज एक्वायर्ड हाउ मच स्टेक इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। देखिए मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी अभी रिसेंट में रिलायंस जियो का कुछ एक स्टेक को खरीदी है, कुछ एक शेयर को खरीदी है। मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी एक अबू धाबी बेस्ड कंपनी है जिसने अभी रिलायंस जियो का 1.8% शेयर, 1.8% स्टेक को खरीदा है। करीब 9,000 करोड़ के आसपास में कुछ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इसको खरीदा है। तो हमारा आंसर है 1.85%। ठीक है, तो अभी ये हमने देखा ऊपर में, हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखे जो यूपीएससी पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमने 7-8 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा जाना और उसको समझा कि कैसे हम लोग अगर कोई किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग कैसे उसको अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में भी और भी कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स को अपडेट कर सकें, ताकि करंट अफेयर्स आपका पीछे ना रहे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।